हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया, छुट्टी हो गया बच्चों का और आप लोग सारे ट्रैवल टूर में या इधर उधर घूमने में निकल चुके होंगे और फ्लाइट टिकट सर्च कर रहे होंगे। और काफी सारे मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहा है कि कैसे मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, वीडियोस जरूर देखना, आपको बहुत सारे पैसे सेव होने वाला है। ओके, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करता हूं और मैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कैसे आपको पैसे सेव करने और कम से कम प्राइस में फ्लाइट टिकट बुक करना होगा। राइट, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया और मैं आ गया गूगल पर। गूगल पर आते ही मैं आपको दिखाऊंगा दो तीन साइट से कि कहां से क्या प्राइस आ रहा है, कोई भी एक डेस्टिनेशन के ले लेते हैं और फिर मैं जहां से आपको रिकमेंड करूंगा फिर वहां से आप कैसे प्राइस आप बचा सकते हो, कैसे आप पैसे सेव कर सकते हो। राइट, सबसे पहले जो आ रहे ऑप्शन वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड इजी माई ट्रिप, जो कि आप सारे लोग जानते हो, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इन इंडिया फॉर फ्लाइट टिकट बुकिंग और एटसेट्रा। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ दिल्ली से कोलकाता। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो, दैट कुड बी डोमेस्टिक, दैट कुड बी इंटरनेशनल। राइट, तो मैं डेट ले लेता हूँ 5th का या 6th का, कोई भी ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, 5th का ले लेता हूँ मैं। अच्छा, तारीख में ठीक है, यस 5 तारीख ले लेता हूँ, जो कि प्राइस करीब करीब आ रहे 9000 के आसपास। एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, 8897 रुपीज। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वेबसाइट में कितना प्राइस आ रहा है। तो याद रखना इजी माई ट्रिप में आ रहा है 8897 रुपीज। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप में अगर मैं सेम डेस्टिनेशन और सेम डेट ले लूँ, न्यू दिल्ली टू कोलकाता, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ 5th को, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ये आ रहे 9096 रुपीस। बट रिमेंबर, जब आप फाइनल पेमेंट करने जाओगे थोड़ा बहुत कन्वीनियंस चार्जेस एड ऑन हो सकता है, दैट कुड बी 250-300 रुपीस है। लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा अननेसेसरी, क्योंकि जो मेरा मुद्दे की बात है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कहां से ऑफलाइन टिकट आएगा। तो यहां पे आ गया 9096 रुपीस, तो कि थोड़ा सा ज्यादा है इजी माई ट्रिप से। उसके बाद जो और एक वेबसाइट में कंपेयर कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड इक्सिगो। ये भी अच्छा वेबसाइट है, काफी लोग प्रेफर करते हैं, न्यू दिल्ली से कोलकाता, और डेट में सेम डेट ले लेता हूँ 5th of June, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या प्राइस आ रहा है। करेक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पे भी एकदम सेम प्राइस है 9096 रुपीस। इट मीन्स मेक माई ट्रिप और इक्सिगो बिल्कुल सेम प्राइस है, और इजी माई ट्रिप में 8897 रुपीस है, और इजी माई ट्रिप में जो प्राइस आ रहा है 8897 रुपीस। ओके, तो तीन वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया। लास्ट जो फाइनल वेबसाइट है जहां से आपको ऑफलाइन टिकट बुक करना होगा वो कौन सा है, वो आपको पहले मैं दिखाता हूं फिर मैं नाम बताता हूं। ये वेबसाइट आ गया, कौन सा वेबसाइट मैं आपको थोड़ा हाइड करके रख रहा हूं फिर मैं बताता हूं। अभी सेम डेस्टिनेशन ले लेता हूं मैं, दिल्ली से कोलकाता, और एग्जांपल के लिए मैं यहां पे जून का 5 जून ले लेता हूं मैं, सेम टाइम सर्च कर लेता हूँ। ओ माई गॉड, मेरे को टिकट मिल गया 4999 रुपीज, इट मीन्स 5000, और वहाँ पे प्राइस आ रहा है 9000, मतलब 4000 का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो अगर 5000 रुपीज और ये 5500 रुपीज, आप पूछोगे कि सेम फ्लाइट का अलग अलग रेट क्यों, अभी समझाता हूँ मैं। और नेक्स्ट जो स्पाइस जेट है यहाँ पे 8000 रुपये, तो स्टिल अगर स्पाइस जेट भी लोगे तो 1000 रुपये आपको बेनिफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन है कौन सा वेबसाइट है और इतना सस्ता प्राइस कैसे होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन टिकट का मतलब क्या होता है, हम जो एजेंट होते हैं इन एन एडवांस हम एयरलाइन से टिकट परचेस करके रख लेते हैं। एग्जांपल के लिए एयर इंडिया या स्पाइस जेट या किसी भी एयरलाइन से एक महीने पहले हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे इस रूट के लिए दिल्ली टू कोलकाता के लिए मुझे 10 टिकट चाहिए इन एन एडवांस, तो वो कम से कम प्राइस में हमें इन एडवांस दे देते। मान के चलो उस टाइम हमें 3000 या 4000 रुपये में हमें दे देता, सेम जैसे आप देखोगे 5000 के रेट में हमें प्राइस दे चुके हमें, लेकिन आज की रेट में इसका प्राइस है 9000। ले आप, तो मैं क्या करूंगा इस 5000 वाला प्राइस को मैं आप लोगों को मैं बेच सकता हूं, मैं 500 या 700 रुपीस में अपना कमीशन ऐड करके आपको दे देता हूं 5700 से 6000 के बीच में, स्टिल आप 3000 रुपये करीब करीब सेव कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके भी बेनिफिट हो गया 3000 रुपीस, और मेरा भी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बन जाता, जिससे क्या होता है इजीली मैं सेल आउट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन सिर्फ मेरे पास नहीं है, ऑलमोस्ट हर एजेंट के पास होता है। तो आप जब भी कभी टिकट बुक करोगे किसी लोकल एजेंसी से तो उनको जरूर पूछना कि आपके पास कोई ऑफलाइन टिकट है क्या। वो अगर आपको बोलेगा कि हाँ ऑफलाइन टिकट है तो शायद 4-500 रुपये वो मार्जिन रख के आपको दे सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आप बुक करोगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और स्पेशली अगर आप नियरेस्ट डे में अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 2-4-6 दिन के अंदर, तो ऑफलाइन टिकट आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि जितना पास होता है आपके ट्रैवलिंग डेट उतना फ्लाइट का कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ मैं, जैसे इजी माई ट्रिप में आप देखोगे
फिफ्थ के बाद, फिफ्थ जैसे 4 तारीख को, आज 3 तारीख में रात को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 4 को 11,000, 5 को 9,000 और 6 को 9,400 और 7 को 97,000 और उसके बाद धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये वाला जो वेबसाइट है जो मैंने ऑफलाइन टिकट के लिए रखा हुआ, अब देखोगे 6 जून भी करूँगा तो भी 5,000, जहाँ वहाँ पे 9,000 या 9,500 के आसपास दिखा रहा है, करेक्ट। अगर मैं इसको 7 जून करूँगा तो भी ये 9,000 से कम है, 6,800, ठीक है। 8th को करूँगा, देख लेते हैं, तो भी फिर 5,000, 5,500, तो स्टिल इट इज बेटर। अब क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों को ऑफलाइन टिकट बुक करना है तो कैसे बुक करोगे। सबसे पहली बात बता दूं, ये जो वेबसाइट है आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द एजेंट, एजेंट के पास ये अवेलेबल होता टिकट। तो अगर आपको टिकट बुक करना होगा, मैं व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, उसमें लिंक में क्लिक करके सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो और सिंपली लिखना है कि मुझे इस रूट से इस रूट जाना है कि क्या प्राइस होगा, मैं प्राइस दे दूंगा या मेरा टीम में कोई भी मैसेज कर देगा। अगर आपको प्राइस सुइटेबल लगता है तो आप बिल्कुल पेमेंट करके तो आप टिकट बुक कर सकते हो। जनरली जो पेमेंट का टर्म्स होता है, 50% हम एडवांस ले लेते हैं और जैसे 5-10 मिनट के अंदर आपको टिकट दे देते हैं ईमेल में या व्हाट्सअप के थ्रू, फिर आप रिमेनिंग पैसे पेमेंट करते हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अननेसेसरी प्लीज मैसेज मत करना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो टिकट होता है नॉन रिफंड होता है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट रिफंड नहीं होते। तो एक बार अगर आप टिकट बुक कर लोगे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, अगर कैंसिल करोगे तो फिर ये आपके कोई पैसे रिफंड नहीं होगा। तो मेक श्योर कि बुक करने से पहले आप सोच समझ के एकदम डेट ऑफ जर्नी बिल्कुल 100% कंफर्म होना चाहिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिला होगा, और अगर इन फ्यूचर में कभी ट्रैवल करना होगा तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमें, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अननेसेसरी प्लीज़ कॉल मत करना, अननेसेसरी प्लीज़ मैसेज करना। अगर आपको सीरियसली रिक्वायरमेंट है टिकट का तो आप कनेक्ट करना प्लीज़ व्हाट्सअप में, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। सो वीडियोज़ को यहीं तक रखते हैं, आई होप वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते एक नया वीडियोज में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी, थैंक यू।